हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस? होप यू आर डूइंग वेल। कल का टॉस प्रेडिक्शन हम जीते थे, लेकिन कल का मैच दिल्ली ने जीता हुआ मैच पंजाब को दान में दे दिया, क्योंकि हम 21 बॉल पे 24 रन बना सकते थे। आई डोंट नो व्हाट दे हैव डिड इट यस्टरडे। आज के मैच की बात करेंगे तो आज राजस्थान वर्सेस बेंगलोर का मैच होने वाला है, और मैं आपको मैच के बारे में कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। दोनों ही टीम अभी तक तीनों मैच अपने लूज कर चुकी है और पॉइंट टेबल में सबसे नीचे की लिस्ट में है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो मैच होने वाला है वो इस तरीके से है कि मैच जयपुर में होगा, और अभी तक जो पिच है वो बैटिंग पिच मानी जा रही है। थोड़े से चेंजेस हुए हैं टीम में। बेंगलोर में दो नए प्लेयर्स आने वाले हैं, तो देखना ये होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है। राजस्थान भी अपने कुछ प्लेयर्स को चेंज करने वाली है, और दोनों ही टीम सबसे वीक हैं, तो ये मैच देखने लायक होगा। मे बी इट विल बी द हाई स्कोरिंग मैच और मे बी इट विल बी द लो स्कोरिंग मैच। थोड़े से चांसेस डल होते हैं इसमें। मैच का एक पॉइंट ये है कि कोहली ने अभी तक कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, और इस पिच पे उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऑलमोस्ट 21 के इकोनॉमिक रेट से उसकी स्कोरिंग हुई है, तो देखते हैं कि आज क्या होता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे 14 मैच के प्रेडिक्शन की बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। तो आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मे बी इट विल बी द हाई स्कोरिंग और मे बी इट विल बी द लो स्कोरिंग, वी डोंट नो दैट, बट वी नो दैट टू हूम शी विल पिक नाउ, एंड पर इज हियर। So let's see to whom she will pick and what will be the prediction she will give. The winner team will be picked by the Pari. So let's see whom she will pick and is it goes correct or not. वो तो मैच को देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये prediction सही होता है या नहीं। So let's hope for the best. See you, bye-bye, take care, have a great day, enjoy the match. This time there will be a chances of winning and while signing the Bangalore. Thank you so much. See you. Bye bye.